आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं से हनुमान वल जैन गोलचा का सादर नमस्कार। जय जिनेन्द्र। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि मैं लगभग एक महीने से मेरा अभिनंदन आभार प्रकट करने का कार्यक्रम चल रहा है और आज मैं जहाँ पर पहुँचा हूँ, जिनका मैं साक्षात कर रहा हूँ, वो साक्षात्कार के साथ साथ पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, ज्योतिमय रतन हैं। ये एक ऐसे महान विभूति से, ऐसे महान आचार्य जी से मैं साक्षात कर रहा हूँ, उनके आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। साक्षात नहीं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। अभी तक तो साक्षात कर रहा था, आज मैं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो मेरे समाज में आचार्य विद्याभूषण सरस्वती सागर जी के सानिध्य में मैंने कई कार्यक्रम किए, उसमें आपका भी दो तीन कार्यक्रमों में प्रमुख आशीर्वाद रहा। और जब जैन समाज का कार्यक्रम चल रहा था उस टाइम आप प्रेरणा स्रोत थे इस कार्यक्रम के, और जैन समाज को संगठित करने में आपका बड़ा भारी योगदान था। उन गुरुदेव का मैं नाम ले रहा हूँ, अभी तक मैं सिर्फ गुरुदेव महाराज श्री नाम लिया है मैंने, बाकी लेना पड़ेगा। एलाचार्य श्री अतिवीर जी महाराज, जिनका मेरा प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं और आशीर्वाद प्रदाता भी रहे हैं और आज भी है। और आचार्य विद्याभूषण सर्वसागर जी मेरे लिए क्या रहे, जैसे मैं गंगा शहर से आचार्य तुलसी से आशीर्वाद लेकर के आया था और दिल्ली में 53 साल से जिन्होंने मेरा आशीर्वाद आचार्य विद्याभूषण सर्वसागर जी का मिला, जिनको आज मैं जो भाषा बोल रहा हूँ ये मैं उनकी देन समझता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। आचार्य तुलसी का तो मैं एक जीवन वो लेकर के आया कि मुझे करना क्या है, मार्ग उन्होंने दिखाया, उस मार्गदर्शन का कड़ी में आचार्य विद्याभूषण सरस्वती सागर जी एलाचार्य घोषित करके मेरे आशीर्वाद देने के लिए अब आया हूँ। मैं आशीर्वाद के लिए अतिवीर जी महाराज से विनती कर रहा हूँ कि मेरे बारे में, अपने बारे में और समाज के बारे में, और मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या कार्य करूँ जिससे मैं अब जो है 53 साल जब मेरे दिल्ली में हो गया, 16 साल का आया हूँ, कम से कम हिसाब लगा लीजिए कि मेरे 7वें दशक में हूँ, ऐसी उम्र में मुझे क्या करना चाहिए, वो आशीर्वाद लेने के लिए आचार्य एलाचार्य श्री अतिवीर जी महाराज से आया हूँ। अच्छा गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु नमस्तु, आज मेरा मार्गदर्शन करिए कि मुझे क्या करना चाहिए। महानुभाव श्रीमान शरद जैन सांध्या माँ लक्ष्मी, श्रीमान हनुमान मलजी गोलछा आज दोनों हमारे सम्मुख उपस्थित हुए। शरद जी ने हाथ जोड़कर एक निवेदन किया कि महाराज श्री समाज सेवा के किसी कार्य के लिए आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। हनुमान मल गोलचा जी पिछले 33 वर्षों से समाज की सेवा में संलग्न है, मैं भी उनके साथ जुड़कर समाज की कुछ सेवा करना चाहता हूँ। हमारा कार्य आपको पसंद आए तो आप हमें आशीर्वाद दीजिएगा। पूछा क्या करना चाहते हो, तो हनुमान मल गोलचा जी ने बताया कि बहुत वर्षों से जैन डायरेक्टरी, तरह तरह की जैन मंदिरों की, समाज के विशिष्ट लोगों की और भी कई तरह की डायरेक्टरियां हमने निकाली। अब इन सबको विराम देकर मैं किसी रचनात्मक कार्य से समाज की सेवा करना चाहता हूं। और शरद जी ने कहा, महाराज मैं भी इस कार्य में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुड़ना चाहता हूँ, समाज की सेवा करना चाहता हूँ। महानुभाव आपको बता दें, दीक्षा लेते ही प्रथम माह में हनुमानमल गोलचा जी से हमारा परिचय आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज ने कराया। और उस समय अचानक एक कार्यक्रम की रूपरेखा बनी, हनुमानमल गोलचा जी ने पूरे मनोयोग के साथ उस कार्यक्रम को किया और वो कार्यक्रम बहुत सफल रहा। उसके बाद और भी कई कार्यों की प्रेरणा हनुमानमल गोलचा जी को दी,
और उनके मन में बात बैठ गई कि आशीर्वाद मेरे ऊपर विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज का है, आचार्य तुलसी जी का है, लेकिन प्रेरणा स्रोत अतिवीर जी महाराज और रविंद्र जी महाराज उनके प्रेरणा स्रोत रहे, ऐसा उनकी भावना रही। उसी भावना को पुनः लेकर हमारे पास आए और आचार्य श्री भी हनुमानमल गोलछा जी के कार्यों से बहुत प्रसन्नचित थे। उन्होंने एक ही बात कही कि जब तक ये समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, इनके ऊपर अपना वरद हस्त बनाए रखना। तब से लेकर आज तक हनुमानमल गोलछा जी हर कार्यक्रम में हमसे जुड़े रहे। अब जो कार्यक्रम ये लेकर आए हैं, अगर वो कार्य समाज सेवा से संबंधित है, कोई रचनात्मक कार्य है, तो मेरा हनुमानमल गोलछा जी को बहुत बहुत साधुवाद। हनुमानमल गोलछा जी ने बताया कि 1008 जैन रत्न ग्रुप बनाने का इनका भाव है। एक जैन डायरेक्टरी जो कि बिल्कुल तैयार है, जैन धर्म स्थल की, दिल्ली के समस्त मंदिरों की, स्थानकों की, उपासियों की, वो डायरेक्टरी ये निकालना चाहते हैं। हनुमान मल जी आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि डायरेक्टरी जो निकल रही है, जो तैयार है, बस इस कार्यक्रम में वो अंतिम डायरेक्टरी का विमोचन आप करा लें, उसके बाद डायरेक्टरी के कामों को विराम दें, उसके बाद रचनात्मक कार्यों के अग्रसर हों। 1008 जैन रत्न ग्रुप आपके साथ है, तन से, मन से, धन से। अब प्रिंटिंग के, पब्लिशिंग के बहुत कार्य हो गए, अब कोई ठोस कार्य है जो आगामी समय तक याद किए जाते रहें, ऐसे कार्यों में यदि आप जुड़ते हैं, तो मेरा बहुत 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 आशीर्वाद आपको रहेगा।